हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब और वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा। मेरा नाम है मीनाक्षी मेहर। तो दिन है जी आज शुक्रवार और आज है 24 तारीख। तो अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मॉर्निंग में मैं कर रही हूँ मॉर्निंग वॉक। तो यहीं पे टहल रही हूँ बस, अंदर ही अंदर, बाहर तो जाने का टाइम लगता नहीं है बच्चों के साथ। मैं सोच रही थी मेरे बच्चे बड़े होते तो मैं किलोमीटर के हिसाब से मॉर्निंग वॉक करती, थोड़ा 1 किलोमीटर सुबह 1 किलोमीटर शाम को। लेकिन हो चुका है 7:30 और अभी तक बच्चे नहीं उठे हैं और ये देखिए बाहर आ गई है धूप। देख सकते हैं आप, हमारा जो यहाँ पे एरिया है ना, यहाँ पे धूप बड़ी जल्दी आ जाती है। धूप आ चुकी है और बच्चे देखो दोनों सोए पड़े हैं। और चलो इसको तो सोने दो, इसका तो स्कूल नहीं है, लेकिन ये बड़ा है। हन्नी खड़े उठो, हन्नी वैसे ही लेटा कि वैसे ये पहले थोड़ा सा उड़ गया था फिर लेट गया था, इसकी आंख शायद लग गई थी दोबारा से। और ये देखिए यहाँ का लुक, धूप की रोशनी पूरी अंदर आ जाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, विटामिन डी मिल जाता है हमें सुबह सुबह मॉर्निंग में। तो ये देखिए, और अभी इनके लिए बनाएंगे हम ब्रेकफास्ट। आजकल की जो ज़िंदगी है ना, सच बता रही हूँ मैं, दौड़ भाग वाली है और एक हाउसवाइफ को अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। मैं सच बता रही हूँ, मैं अपने लिए जैसे टाइम निकालना चाहती हूँ ना, मुझे पार्लर तक यानी कि थ्रेडिंग तक बनाने का टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। क्या करूँ, इतनी बिजी लाइफ हो चुकी है। दो दो बच्चे भी देखने होते हैं, उनके लिए टिफ़िन तैयार करना है, कई चीज़ें देखनी पड़ती है और सबसे बड़ी बात है कि अगर फ़ोन आ गया बीच में, फील्ड वर्क भी करना पड़ता है। तो ये सब झेलते हैं, क्या करना है, यही मेरी ज़िंदगी है। और यहाँ पे अभी चलिए पहले मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने निकाले हैं जैम और ब्रेड निकाल दी है। यहाँ पे मैं बनाऊँगी सैंडविच बच्चों के लिए और इस टाइम बना रही हूँ मीठे वाला सैंडविच। कभी कभी मीठे वाले भी अच्छे लगते हैं, कभी जैसे आलू उबाल के आलू भर दिए तो कभी जैम लगा दिया, कभी सॉस लगा दिया, इस तरह से बदल बदल के भी देना चाहिए। कभी हल्का फुल्का नाश्ता भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो जैम था, दो मेरे पे डिब्बे थे पड़े हुए, तो एक में थोड़ा कम था एक में ज़्यादा, तो मैंने ज़्यादा वाला क्या है फ्रिज में रख दिया है और छोटे वाले को निकाल के उसमें से मैंने जैम थोड़ा सा चाकू में लगा के और इस तरह से मैं भर दूँगी। तो बच्चों को कभी कभी इस तरह से भी देना चाहिए अलग अलग प्रकार से, क्योंकि रोटी जो है वो तो हम लोग रोज़ाना खाते ही खाते हैं, कभी कभी ब्रेड में दे दिया, कभी आलू लगा के दे दिया, इस तरह से थोड़ा बच्चों का टिफ़िन बन जाता है बढ़िया से। तो इस तरह से का सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, चाहे तुम कितना भी जोर लगा लो, क्योंकि बच्चों को ना सुबह सुबह बहुत ही मीठी नींद आती है, पर क्या करें, स्कूल तो जाना ही है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने क्या किया है, जो ब्रेड है ना उन सब के अंदर मैंने जैम भी लगा दिया था और फिर दोनों को फोल्ड करके बाहर से मैंने लगा दिया था थोड़ा थोड़ा घी। और घी लगाने के बाद इनको हम सेक लेंगे अपने सैंडविच मेकर में। तो ये जो सैंडविच मेकर है ना काफ़ी बड़ा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है 6 तक आ जाते हैं। ये देखिए एक पीस की कमी रह गई, नहीं तो 6 के 6 ना आराम से आसानी से आ जाते हैं। तो चलिए जितनी देर में ये बनता है ना उतनी देर में मेरी चाय भी पक गई है और मैंने चाय नहीं पी थी, और बिना चाय के ना अजीब सा लगता है क्योंकि आदत सी बन गई है ना सुबह चाय पीने की। जैसे जैसे ही सुबह मॉर्निंग में पानी पियो उसके बाद मन करता है कि चाय भी पी जाए। तो मैंने कहा चलिए न्यूज़ देख लेते हैं आज की हेडलाइंस क्या है। और आज की हेडलाइंस ये बता रहे हैं कि आज जो है हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है और मौसम किसी ने देखा भी नहीं होगा कि इस टाइम इस तरह का होगा, क्योंकि मार्च में थोड़ा थोड़ा गर्मी आ जाती है लेकिन काफ़ी ठंडा लग रहा है। यहाँ पे ठंडी हवाएं भी चल रही है और मेरी देख रहे ना आप गर्म कुर्ती पहनी हुई है, बहुत ही ठंडा लग रहा है। तो ये देखिए सैंडविच भी मेरे बन के हो गए हैं रेडी। तो इसमें ना आसानी से बहुत ही जल्दी बन जाते हैं सैंडविच, थोड़ी देर पकने के लिए रख दो और जब तक आप अपनी चाय वाय पियो तो इतने में वो जो रेड लाइट है ना वो जल जाती है, और पहले ही ग्रीन बत्ती देता है उसके बाद रेड लाइट। तो चलिए फिर इनको काट के जितने मेरा बेटा जो है टिफ़िन में ले जाएगा उसके लिए पहले अलग से टिफ़िन में रख देते हैं। कभी कभी होना चाहिए इस तरह का भी नाश्ता ना, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो मैं रोज़ाना तो नहीं बना पाती हूँ लेकिन कभी जब भी मुझे टाइम लगता है या कभी लगता है कि हाँ बच्चों के लिए बनाना चाहिए तो दे देती हूँ, नहीं तो कभी पराठा कभी कुछ बदल बदल के दे देती हूँ इतना। तो लीजिए आप भी खाइए गरम गरम सैंडविच। तो ये देखिए मेरे बेटे का जो नाश्ता है ये तो हो गया है रेडी।
देखिए इसकी मस्ती, बहुत ज़्यादा मस्ती करता है ये। तैयार तो खुद से हो जाता है, केवल टाई के लिए मुझे बुलाता है कि मम्मी जी मेरी टाई बांधो, बस ओनली से टाई बांधी नहीं आती है। बाकी स्वेटर पहन लेगा, पैंट पहन लेगा, शर्ट पहन लेगा, जूते में सॉक्स पहन लेगा, जूते इसे बांधने नहीं आते हैं। तो ये देखिए मिष्टी ने भी अपना मुंह धो लिया है, मिष्टी भी हो गई अपनी चकाचक फ्रेश, स्कूल जाने के लिए एकदम रेडी हो गई है। तो ये भी तैयार हो जाती है, इसको चुटिया इसकी बनानी पड़ती है। इसके साथ भी थोड़ा आधा घंटा तो चाहिए, क्योंकि मुंह वगैरह धुला के इसको ब्रेकफास्ट खिला के जो भी इसे सुबह खाना है, वैसे खाती तो क्या है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो भी खाएगी, फिर तो इसकी चुटिया बना के इसको भी साथ में ले जाना पड़ता है। दोनों को साथ में इसलिए ले जाती हूँ, दोनों को हनी तो खैर जाएगा ही, उसका तो स्कूल है, लेकिन इसे कहाँ पे छोड़ूँ यही होता है, क्योंकि ये अब रहती भी नहीं है ना। पहले जब ये छोटी थी तो अड़ोसी पड़ोसी में रह भी जाती थी, और अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, तब बोलती है मुझे भी साथ में ही जाना है कि मम्मी जहाँ आप जाओगे वहीं जाना है, क्योंकि मैंने अभी इसे बीच में काफ़ी छोड़ा था, तो इसे आदत सी पड़ गई है कि कहीं मम्मी मुझे फिर से दूसरों के यहाँ छोड़ के कहीं चले ना जाए, तो बच्चा डर सा जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसकी दोनों चोटी बना ली थी, इसने बैग भी टांग लिया था, हनी का भी सारा कुछ रेडी हो चुका है, और टीवी में न्यूज़ भी देखी है, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी की आशंका बता रहे हैं, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रह रहा है, क्या करूँ मैं। थोड़ा अभी आज भी बदला हुआ ही लग रहा है, देखते हैं, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की लग रही है, धूप आ जाएगी कि। तो ये देखिए कैसे भाग रही है, इसे ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मुझे स्कूल जाना है, लेकिन अभी देखते हैं, इसे सोचा नहीं है मैंने। मेरा मन कर रहा है कि मैं अगले साल से इसे स्कूल रखूँगी, क्योंकि इसे 3 कंप्लीट हो जाएंगे, चौथा भी लग जाएगा, और एक मन कर रहा है कि अभी रख दूँ, इतने महीने ये क्या करेगी घर में, मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर देगी, क्योंकि छोटे बच्चों से बहुत परेशानी होती है, इतने में मैं कुछ और भी नहीं कर पाती हूँ ना, अगर जैसे मुझे कुछ करना भी हो ना तो मुझे बहुत परेशानियाँ होती है। तो अभी देखते हैं, इसका डिसाइड अभी करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अभी देखो ये होगी आगे खड़ी, पीछे से हनी बैठ जाएगा, और उसके बाद ही मेरे घर के सारे काम होने लग जाते हैं। तो चलिए फिर आ गई हूँ मैं घर में, और बेटे को मैंने छोड़ दिया है, अब मेरे जो काम है स्टार्ट होते हैं यहाँ से। स्टार्ट हो जाती है मेरी यहाँ से क्लीनिंग। सबसे पहले तो मुझे बेड की दोनों चादरें झाड़नी पड़ती है, क्योंकि जो बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं, और बच्चों के साथ तो 2 या 3 बार तो बेड की जो चादरें हैं वो झड़ती रहती है, इसीलिए तो मेरा पूरा टाइम इन्हीं में लग जाता है, अदरवाइज़ कुछ और कैसे करूँ मैं। और कभी कुछ करना भी हो ना तो बहुत ज़्यादा मुझे एडजस्ट करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पे जो दोनों चादरें हैं मैंने झाड़ के अच्छे से बिछा दी है। इसके बाद मैंने इसके लिए लगा दिया था कार्टून, इसका मोगली कार्टून आ रहा था, इतनी देर में मैंने कहा मैं अपनी डस्टिंग वगैरह भी कर दूँगी, झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले तो मैं झाड़ू लगाऊँगी, क्योंकि मेन काम होता है सबसे पहले बेडशीट की चादरें, जो बेडशीट होती है उनको झाड़ना, और दूसरा काम होता है झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। जब इतना काम हो जाता है ना तो मन एकदम हल्का हो जाता है। तो चलिए फिर यहाँ पे पहले सबसे पहले स्टार्टिंग हम झाड़ू से ही कर लेते हैं। और आजकल चल रहे हैं नवरात्रे, मैं नवरात्रे में व्रत बिल्कुल नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। मेरे दिमाग में ये चल रहा है, मैंने कहा जब मेरे बच्चे काफ़ी बड़े हो जाएंगे ना, थोड़ा इतना तो हो जाएंगे कि चलो अपने से कर लें, तो मैं तभी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि एक ही कमरा भी है बहुत ही किचपिचा हो जाता है फिर, तो इसलिए मैंने अभी नहीं रखे हैं। और यहाँ पे नाश्ता वास्ता कर लिया था, तो आज मुझे काफ़ी जल्दी है, क्योंकि एक तो सबसे पहले बड़ी बात है कि मुझे गेहूँ भी साफ़ करने थे, मेरा ना आटा ख़त्म होने वाला है, मैंने अभी देखा कंटर में। वैसे मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मुझे गेहूँ पिसाने हैं, लेकिन मौसम की वजह से ना मैं साफ़ कर पा रही थी ना ही मैं सुखा पा रही थी। तो मैंने आज देखा कि मैंने कहा चलिए आज बड़ी मुश्किल से टाइम लगा है, तो मैंने जल्दी जल्दी क्या किया था, नाश्ता किया था, अच्छे से मैंने किचन की क्लीनिंग कर ली थी, और मैं सोच रही थी कि मैं आज पोछा नहीं लगाऊंगी, रोज़ाना ही लगाते हैं, कोई नहीं कौन देख रहा है कि एक दिन। ये लो जी, किचन का काम भी हमारा पूरा निपट चुका है, बर्तन मैंने धो के पूरे रख दिए हैं टब में, और अभी लास्ट में जो रहता है सिंक एरिया, तो सिंक एरिया को कर लेते हैं साफ़। और जब ये इतना सब मेरा क्लीन हो चुका था ना, उसके बाद मुझे बहुत जल्दी थी, मैंने कहा कहीं कॉल आ गई ना, किसी के साथ ना जाना पड़े, आज मैंने बहुत अच्छे से टाइम निकाल के दिन निकाला था कि आज मैं अपना घर का ही ये वाला काम करूँगी, चावल गेहूँ का, क्योंकि काफ़ी दिन से सोचते ना तो होता भी नहीं है, सच बता रहे हैं, जो सोचता है वो होता नहीं है, कई बार हो भी जाता है,
तो यहाँ पे मैं सोच रही थी आज मैं अच्छे से पहले गेहूँ चावल साफ करूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी, लेकिन क्या करूँ, मेरी ना कॉल ऐसे आ जाती है ना। वैसे मैं मना कर रही थी, एक मेरी फ्रेंड है उसके साथ मुझे जाना था, लेकिन वो बोल रही थी कि कॉल करूँगी, तो मैंने कहा जब उसका कॉल आएगा ना तभी देखेंगे, तब तक मैं क्या करती हूँ, एक काम तो मेरा निपट ही जाएगा। तो इतनी देर में मैंने क्या किया है, जो चावल है ना मैंने कहा उनको साफ़ करके रख दूँगी टंकी में, जितने मुझे चाहिए, ठीक है, महीना भी ख़त्म होने वाला है तो इस महीने के लिए मेरे काफ़ी बहुत ज़्यादा चावल हैं ये। तो बच्चों को मैंने फ़ोन दे दिया था, और हन्नी को स्कूल से लेके आने के बाद उसके मैंने कपड़े वपड़े बदले हैं, उसको मैंने खाने के लिए कुछ दे दिया है, उसके कपड़े जो है अच्छे से जगह पे रख दिए हैं, और खाना मैंने पकने के लिए रख दिया है। मैंने कहा ऐसा करूँगी कि खाना भी पकता रहेगा और इतनी देर में मैं अपना ये काम भी निपटा दूँगी। इतने में जो मिष्टी है ना वो मेरे साथ गप्पे लगा रही थी, मम्मी क्या कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रहे हैं, तो मैं उसे बता रही थी बेटा चावल साफ़ कर रही हूँ, और मुझे लग नहीं रहा कि मेरे गेहूँ आज साफ़ हो पाएंगे, अगर इतनी देर में कॉल आ गई ना तो सच बता रही हूँ मुझे फिर फील्ड वर्क में जाना पड़ेगा, और आज जो मेरा काम है ना ये छूट जाएगा, क्योंकि मौसम भी बाहर बहुत ज़्यादा गड़बड़ लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए वीडियो को देखिए। आजकल मौसम के हाल ऐसे ही दिख रहे हैं, थोड़ा सा धूप लग रही है, थोड़ा सा फिर मौसम बदल रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी तूफान चल रहा है, तो मुझे लग रहा है ये महीना जो है ना वो पूरा ऐसा ही रहने वाला है। ये देखिए मेरी बीन्स भी नहीं उग पाई है, मैंने बीन्स के यहाँ पे बीज डाले थे लेकिन नहीं हो पाए हैं, और पौधे तो मेरे अच्छे हो गए हैं, हरे भरे देखिए प्यारे लग रहे हैं ना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो घर का काम पूरा निपट चुका है, दिन के बज चुकी हैं 2:30, और अभी तक तो सारा काम निपट चुका होता है। आज मुझे गेहूँ भी साफ करने थे लेकिन मेरी इमरजेंसी कॉल आ गई और मुझे भागना है फील्ड में, तो मैंने फिर फटाफट से बच्चों का इंतजाम कर दिया है। हन्नी को तो मैंने यहीं छोड़ दिया है घर में, और खाना भी खिला दिया है, बर्तन बस रखे हैं धोने के लिए, मैंने कहा आके धोऊंगी, पहले वाला काम निपटा देती हूँ। और मिष्टी को मैंने छोड़ दिया है बगल में पड़ोसियों के यहाँ, उसका अरेंजमेंट कर दिया है, मैंने कहा आ जाऊँगी 4:30 या 5 बजे तक, टाइम बता के गई हूँ अपने बेटे को भी, और मैंने कहा अगर आने में थोड़ा लेट हो जाती है तो आप बाहर खेल लेना। यहाँ पर सबसे अच्छा मुझे ये लगता है ना बच्चों के खेलने के लिए बहुत बढ़िया है गली में, अगर मुझे लेट भी हो जाती है तो कुंडी लगा के बाहर खेलता रहता है। और मिष्टी को मैंने बगल में पड़ोसी आंटी जी के यहाँ छोड़ दी है और वो रह जाती है, और आंटी जी से फ़ोन दिखा रही होगी, तो मैंने कहा तब तक इतने में मैं अपना काम भी कर लेती हूँ। तो मैं जाऊँगी फील्ड में, मैंने आपको बताया था मैं क्या काम करती हूँ, मैं प्लॉटिंग का भी काम करती हूँ, साइड में कभी कभी हो जाता है, जैसे कभी किसी को कुछ दिखाना हो तो मैं चली जाती हूँ फील्ड में, थोड़ा बच्चों की दिक्कतें होती है वो सब एडजस्ट करना पड़ता है, क्या करना है, एक औरत को सब कुछ झेलना पड़ता है आपको पता है, घर का काम भी करना है। अभी मुझे चावल तो मैंने साफ करके रख दिए हैं, थोड़ा बच गए थे तो मैंने रख दिए थे, मैंने कहा कल करूँगी, और गेहूँ भी थे साफ करने के लिए क्योंकि जो मेरा आटा है वो ख़त्म होने वाला है। तो अभी देखते हैं मौसम का क्या हाल है, मौसम तो बाहर आप देख सकते हैं कैसा है, क्योंकि हल्की बूंदाबांदी तो नहीं बताऊंगी, थोड़ा बहुत पड़ रही थी लेकिन अभी ठीक हो रहा है, तो मैंने कहा चलिए पहले मैं ये वाला काम भी निपटा देती हूँ, नहीं तो दिन तो ऐसे ही बीत रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो पूरा देख लेते हैं, तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो इसी तरह बना सकूँ। ओके बाय, टेक केयर।